से एमटी न्यूज में मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा में हुए शामिल, माधवगंज पर आम सभा को किए संबोधित, सरकार की योजनाओं पर डाला प्रकाश। विगत कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर पटवारी संघ की हड़ताल है जारी, नहीं हो रही सुनवाई, कांग्रेसी नेता पहुंचे उनके समर्थन में। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किए बाढ़ वाले श्री गणेश भगवान के दर्शन, भाजपा नेता मनोज कटारे ने किया उनका स्वागत। अब खबर विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा मंगलवार की देर शाम को विदिशा पहुंची। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में गुलाब वाटिका से होते हुए माधवगंज तक पहुंची। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, श्याम सुंदर शर्मा यात्रा के रथ पर सवार थे। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश सरकार की योजनाओं पर माधवगंज पर प्रकाश डाला गया और पत्रकारों से रूबरू हुए और आम सभा को भी संबोधित किया गया। विदिशा में, खुरई में, सागर जिले में मैं कई जगह यात्राओं में गया। जनता का अद्भुत आशीर्वाद बरस रहा है। जनता का स्नेह और प्रेम देख के लगता है कि हम जो बात करते हैं परिवार की, मिलने परिवार आ रहे हैं। फूलों की वर्षा से स्वागत हो, आरती उतारना हो, लेकिन ये सब मन में यही संकल्प पैदा करता है कि हम और बेहतर ढंग से अपनी जनता की सेवा करें। जनता का बरसता हुआ आशीर्वाद सीधे सीधे ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भारी बहुमत से फिर सरकार बनाएगी। इसलिए कांग्रेस के मित्र घबरा रहे हैं। दिग्विजय सिंह तो धमका रहे हैं अफसरों को, उनको लग रहा है कि महामहिमा योजना बना कहाँ से रहा है, पैसा ला कहाँ से रहा है,
उसने ट्विटर पर धमका रहे हैं कि तुम गड़बड़ कर रहे हो। अरे भैया, तुमने कभी जनता की सोची होती तो तुम भी योजना बनाते। हमारे दिल में तड़फ है जनता की सेवा की, इसलिए योजनाएं बन रही है, लेकिन वो बौखला रहे हैं। अब जलने वाले जला करें, मामा की योजनाएं तो चलेगी, अभी और ज़रूरत पड़ी तो और योजना बनाऊंगा, क्योंकि हम सरकार चला रहे हैं तो जनता की तकलीफें दूर करने के लिए। जहाँ जनता की तकलीफ दिखती है वहाँ हमारी नई योजना बनती है, ताकि जनता की तकलीफें दूर कर सकें। भरपूर आशीर्वाद के लिए मैं विदिशा वासियों का, गुलाबगंज वासियों का, बासौदा वासियों का, शमशाबाद वासियों का, सिरोंज वासियों का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। कांग्रेस जनाक्रोश यात्रा निकालेंगे, अब हमें आशीर्वाद मिल रहा तो हम आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। अब वो सनातन के ही अपमान कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आक्रोश है, तो जो जैसा वैसी यात्रा तो निकालेगा। हम आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, वो आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। कौन कह रहा है? अरे भैया, तुम क्या जानो जनता के दर्द और तकलीफें। हम ये चीज़ें वोट के लिए नहीं करते। लाली लक्ष्मी हमने बनाई 2007 में, तब कहाँ चुनाव थे, तकलीफ थी, बेटियाँ कम पैदा हो रही थी, बेटे ज़्यादा पैदा हो रहे थे, हमने लाली लक्ष्मी बना दी, हमने कन्या विवाह योजना बना दी, हमने किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा दे दिया। ये जनता की तकलीफें दूर करने के लिए हम करते हैं। धन्यवाद। पटवारी संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विगत कई दिनों से धरना प्रदर्शन और हड़ताल की जा रही है। स्वामी विवेकानंद चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान शमशाबाद के कांग्रेसी नेता सिंधु विक्रम सिंह पहुंचे और उनकी मांगों का समर्थन किया। जिंदाबाद जिंदाबाद मध्य प्रदेश पटवारी संघ, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, एक ही नारा एक ही मांग, वेतन मान, मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, हम लोगों की एक ही मांग, वेतन मान वेतन मान, हम लोगों की एक ही मांग, वेतन मान वेतन मान, मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, आज हमारी प्रांतीय आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ये 24वां दिन है और प्रांतीय आह्वान पर ही आज से हमने क्रमिक भूख हड़ताल भी प्रारंभ की है, जिसमें प्रत्येक जिले से 10-10 पटवारी डेली क्रमिक भूख हड़ताल पर रहेंगे। जिले से या तहसील से? जिले से। आज ही रहेगा? नहीं, रोज रहेगा, ये अनिश्चितकालीन है ये भी। तो अभी तक कोई प्रशासन से या सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं है, प्रांतीय लेवल पर बातचीत चल रही है। बाकी हमारी जो मांग है हम उस पर अटल हैं और जब तक हमारी मांग का निराकरण नहीं होता हम हड़ताल पे सारे प्रदेश के पटवारी रहेंगे। मेरा ये कहना है कि काफ़ी लंबे समय से उन्हीं के कर्मचारी हैं, हम किसानों के लिए ये हमेशा सदैव सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, तो इनकी मांगें क्यों समय से क्यों नहीं मांगी जा रही हैं? जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी के लिए कर रहे हैं, हमारे लाडली बहना योजना चला दी है और अन्य योजनाएं चला दी हैं, तो फिर पटवारियों को छोड़ा जा रहा है? मेरा ये कहना है। और हमारे कमलनाथ जी ने आप लोगों से वादा किया है, जैसे अध्यक्ष जी ने अभी बताया था कि जैसे ही सरकार बनती है सबसे पहले कैबिनेट में पहला प्रस्ताव पटवारियों का रखा जाएगा। रंगई सोसाइटी पर किसानों द्वारा संचालक पर तरह तरह के आरोप लगाए गए, किसान और समिति संचालक से इस विषय पर हुई चर्चा, सुनिए आप उनका क्या कहना है। बेरखेड़ी बिरसा का किसान हूँ और मेरे पिताजी को लेके आया था मैं इस मीटिंग में, तो मीटिंग में ना तो प्रशासक आए ना कोई मीटिंग लेने वाले हैं मौजूद। ये सब साल में एक बार होती है, जनरल मीटिंग होती है, किसानों को जानकारी दी जाती है क्या सरकार की योजना है, क्या लाभ है, क्या हानि है, सब बताई जाती है। कोई चीजों की जानकारी नहीं है, ये रंगई सोसाइटी है जी। हम साहब काफी सालों से जुड़े हुए हैं, 30-40 साल से जुड़े हुए हैं और जहाँ वर्तमान में जो प्रबंधक साहब हैं उन प्रबंधक साहब की मनमर्जी ही चलती है, किसको हटाना है किसको रखना है। अमित शर्मा है जो काफी 5 वर्षों से, विगत 5 वर्षों से
प्रबंधक कोई बंदेरा से भेजे हुए, प्रमोद शर्मा जी आए। सर मेरा नाम खूब सिंह करा। सर जी अमित शर्मा को उन्हें हटा दिया, राजेंद्र ने और उन्हें कंप्यूटर ऑपरेटर उनको हटाने पे आपको क्या दिक्कत हो? तो साहब इनने पैसे लेके उनको क्यों हटा दिया? उनको दूसरे उनके हाथ नहीं रख लिए। कितने पैसे लिए गए? नहीं लिए नहीं गए, इन्हें तनखा जाते तो उन्हें कम में रख लिए। और जो राजन भैया ने तीन लोगों की तनखा बढ़वाई। सोसाइटी कौन सी भाई? रंगई सोसाइटी। प्रमोद शर्मा। कहाँ पर पड़े थे आप? मैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक विदिशा। ये रहा भाई, यहाँ इंचार्ज हूँ मैं। यहाँ पे जी आज बाहर से खरादान सभा है जी। नहीं सबको, नहीं सबको दी जाती है। और मैं यहाँ पे इंचार्ज हूँ, मदेरा मेरे इंचार्ज। मैं अभी अगस्त के महीने में। नहीं मैंने नहीं हटाया। नहीं मैं सबको एक सी। तो ये कौन कर रहा है? ये पहले हटा दिया होगा, मैंने नहीं हटाया। और ये दूसरा महीना शुरू हुआ। हमारे प्रशासक महोदय है सुनील अग्रवाल। लोक सेवा केंद्र के अंतर्गत संचालित दुकानदारों एवं कर्मचारियों द्वारा विभिन्न समस्याओं के चलते जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है। केंद्रों के संचालक से हुई चर्चा, सुनिए आप। आज श्रीमान जी इस संबंध में ज्ञापन सौंपा हमने सरकार से। हमारा और व्यापारियों से ये निवेदन है कि सरकार और व्यापारियों की जो आपसी खींचतान चल रही है किसी भी संबंध में, उस कारण से 15-20 दिन से लगभग हमारी गल्ला मंडी में टोटल काम बंद पड़ा हुआ है, जिससे हम माल तुलावटों में और मंडी में जो भी कर्मचारी मजदूर वर्ग के हैं सारे ही परेशान हैं और भूखे मरने की कगार पर बैठे हुए हैं। आप लोगों में दो गुट हैं, अभी कोई पाल ने भी कोई ज्ञापन सौंपा तो वो आपसे अलग है? नहीं, वो हम माल संघ के ही लोग हैं। क्या है, अलग अलग अपने मत के हिसाब से आ जाते हैं, ऐसा कोई भेदभाव वाली व्यवस्था नहीं। कोई आश्वासन नहीं मिला। आने वाले समय विधानसभा चुनाव में शिवसेना द्वारा प्रत्याशी मैदान में उतारा जाएगा। तैयारियों के चलते शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष सुनील शर्मा पदयात्रा व वाहन रैली में शामिल हुए। बड़ी संख्या में शिवसेना के सदस्य इस अवसर पर शामिल रहे। मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं शिवसेना राज्य प्रमुख हूँ मध्य प्रदेश का। आज ये आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर मेरे दौरे चल रहे हैं, उसी के तहत आज विदिशा में आया हूँ। और विदिशा से भी हम जो सत्येंद्र जी सिसोदिया जी हैं उनको यहाँ हमने शिवसेना से उम्मीदवार घोषित किया है। और हमारे जो शक्ति प्रदर्शन के पीछे हमारे यहाँ के जो जिला प्रमुख राहुल जी हैं, राहुल जोशी जी, उनका बड़ा अथक प्रयास है और बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसी प्रकार से पूरे प्रत्येक जिले में, प्रत्येक विधानसभा पे मध्य प्रदेश में शिवसेना तीसरी शक्ति के रूप में मेहनत कर रही है और तीसरी शक्ति के रूप में उभर के आ रही है। शिवसेना किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर चुनाव मैदान में उतरेगी, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यह भ्रष्टाचार, इन सभी मुद्दों को लेकर के मध्य प्रदेश में शिवसेना पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में रहेगी। बात कर लेते हैं अभी सनातन को लेकर, विवाद चल रहा है सनातन धर्म क्या है, इसके बारे में भी क्या कहेंगे? सनातन धर्म के ये जो ओछी मानसिकता है, कुछ धर्म धर्मांतरण विरोधी का जो काम कर रहे हैं ऐसे लोग जो मतलब कि चुनावी षड्यंत्र कर करके चुनावी मुद्दा बना रहे हैं ऐसे लोगों, लेकिन सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म था और हमेशा सनातन धर्म ही रहेगा। लोगों की कुछ भी मानसिकता चुनाव को लेकर। नाम राहुल जोशी, मैं शिवसेना जिला अध्यक्ष हूँ, जिला विदिशा से। आज खुशी की लहर है, हिंदू भाई सभी यहाँ है, मेरे विशाल वाहन रैली और पैदल यात्रा निकाली जा रही है आज। अब की बार हमें बहुत खुशी है और सब लोगों को खुशी है, कैंडिडेट अब की बार विधानसभा विदिशा जिले में हमारा कोई शिवसैनिक उतर रहा है। खुशी की बहुत बहुत लहर है और हम इतनी खुश हो रहे हैं अब की बार हमारे। बात करेंगे आज क्या कार्यक्रम है, क्या अवसर है और कौन आने वाला है इस कार्यक्रम में? हमारे सुनील शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जी से आ रहे हैं, जिला विदिशा में उनका डोरा है चुनाव पर लेकर।
हमें बहुत खुशी की महाराष्ट्र को सांसद विधायक और आने का उद्धव जी भी आने का है। अब की बार अगले मीटिंग में उद्धव जी भी आएंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के विदिशा आगमन पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे व संदीप डोंगर सिंह सहित पार्टी जनों के साथ बाढ़ वाले श्री गणेश मंदिर पहुंचे, जहां भगवान श्री गणेश के दर्शन कर धर्म का लाभ लिया गया। वहीं भाजपा नेता मनोज कटारे ने श्रीराम हॉस्पिटल के सामने गृह मंत्री का भव्य स्वागत भी किया। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज विदिशा आए। विदिशा आगमन पर विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता की गई। सरकार की नीतियों पर उन्होंने फोकस डाला और विपक्ष पर निशाना भी साधा। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन सहित पार्टीजन इस मौके पर उपस्थित थे। वो दे देंगे फिर यात्रा के संबंध में आपका सवाल हो तो इधर खड़े जाए, बाकी कोई प्रदेश से रिलेटेड हो तो मेरे को पूछ लेना, देश से रिलेटेड क्षेत्रीय और स्थानीय दोनों से पूछ लेना। ऐसे कार्यक्रम विभाजन सम्मानित पत्रकार साथियों, आज जन आशीर्वाद यात्रा हमारा 16 दिन यात्रा हमारी शुभारंभ होने वाली है। अभी तक हमारी जो यात्रा यहाँ तक पहुंची है, उस यात्रा के बीच में जितनी भी कार्रवाई इस यात्रा के दौरान हुई है उसके संबंध में मैं कुछ जानकारियां आपको देना चाहता हूँ। बकाया तो आपसे मुख्य बात हमारे प्रदेश के यशस्वी गृहमंत्री नरोत्तम जी आप सबसे चर्चा करेंगे। ये हमारी जो यात्रा है 5 सितंबर को श्योपुर से प्रारंभ हुई थी और इसका वर्चुअली रूप से शुभारंभ देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने किया था, क्योंकि मौसम की विपरीत परिस्थिति होने के कारण। ये जो यात्रा क्रमांक 5 है, इस यात्रा के अंतर्गत 43 विधानसभाएं इस यात्रा में हमको कवर करना थी। इस पर संगठन की दृष्टि से हमारे 11 जिले इस यात्रा के माध्यम से हम जाएंगे, जा रहे हैं। इसमें 5 लोकसभा क्षेत्र पूरे हमारे हैं और 2 आंशिक लोकसभा क्षेत्र इस यात्रा के माध्यम से हम कवर करेंगे। अभी तक हमारी 39 विधानसभाओं की यात्रा पूरी हुई है और 1733 किलोमीटर की का जो रूट था वो हमने अभी तक तय किया है। इसमें 55 हमारी जो बड़ी सभाएं हुई हैं, इसमें हमारी 88 रथ सभाएं हुई हैं और 16 हमारे बड़े रोड शो हुए हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान अभी तक जो है 4300 स्थानों पर स्वागत के कार्यक्रम हुए हैं और पूरी यात्रा के दौरान हमारा जो अनुमान है हमने 14,33,000 के लगभग हमारे लोगों से संपर्क हुआ है। हमने उनके दर्शन भी किया है, लोग हमारी सभाओं में आए हैं, रथ सभा के माध्यम से हम लोगों से कनेक्ट हुए हैं। मेरा ये अनुभव है कि इस पूरी यात्रा के दौरान जिस प्रकार से 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी की हमारी जयंती है, कार्यकर्ता महाकुंभ के रूप में होगा, उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे। अभी तक जो यात्रा में जो हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर इस यात्रा में जो हमारे नेता रहे हैं उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारी यात्रा में सम्मिलित रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री उस यात्रा में हमारे सम्मिलित रहे हैं, गोवा के हमारे मुख्यमंत्री इस यात्रा में सम्मिलित रहे हैं, मध्य प्रदेश के हमारे पार्टी के अध्यक्ष बीडी शर्मा जी इस यात्रा में हमारे सम्मिलित रहे हैं, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी केंद्रीय मंत्री इस यात्रा में सम्मिलित रहे हैं, सिंधिया जी इस यात्रा में सम्मिलित रहे हैं और हमारे केंद्रीय मंत्री
भी इस यात्रा में हमारे सम्मिलित रहे हैं और मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा चुनाव के पहले जन अश्वमेध यात्रा के माध्यम से विकास के आधार पर जो 5 साल हम काम करते हैं उसके विकास के आधार पर आने वाले समय में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता का समर्थन मिले, आशीर्वाद मिले, उस उद्देश्य को लेकर हमें यात्रा निकाला और वो उद्देश्य हमारा पूरा होने जा रहा है। और अभी तक का मैंने कहा कि जो हमारी यात्रा निकली इसमें बहुत ही ऐतिहासिक सफलता हम सबको मिली है, समर्थन मिला। मैं माननीय नरोत्तम जी से, माननीय गृहमंत्री से आग्रह करूंगा कि वो आप सबसे बात करें। आज की खबरों को देखते ही पर ब्रह्म आप देखते रहिएगा विधि संयम। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर एनडी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आप रहे हर खबर सकती।